जी वेलकम बैक हो गया न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपको, आपकी फैमिली को, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और आप लोग भी अपने घरों में जश्न आज़ादी मना रहे होंगे और हमने भी मनाई। हम तो खैर से कल गए हुए थे अपनी खाला के घर, वहाँ भी बहुत मज़ा आया। जो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कज़न पार्टी वाला, तो उनके साथ ही हम दोबारा मिले। तो कल हम लोग गए हुए थे अपनी खाला के घर, खैर वहाँ का तो व्लॉग नहीं बना पाया। उसके बाद जब हम लोग आ रहे थे, मैं और मेरा भाई और मामू, हम लोग चले गए थे कल घूमने। उसका भी अभी आपको क्लिप मिल जाएंगे। वहां पर जाके जो दुख हुआ है ना, लोगों ने झंडियां उड़ा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। खैर से बच्चे तो बच्चे हैं, वहां पे बड़े भी शामिल थे साथ बाजे बजाने में। इतने बड़े बड़े जवान लोग बाजे बजा रहे हैं, हैरानगी हुई। लेकिन खैर से हमने तो बाजा बाजा नहीं लिया। क्या पता, आपको पता है कि नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कौन बीमार है कौन नहीं, और उसको कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी इस आवाज के साथ। और जो जो जिन्होंने बाजे लेके दिए ना, उनसे गुजारिश है कि मत ले लेकर दिया करें। तो भाई कल नींद भी बहुत हराम हुई, नींद थोड़ी देर तो बाजे वाले आ गए। तो फिर वहां पे जाके खैर से झंडियां नीचे गिरी हुई थी। आपने देखी होंगी, जब भी कोई किसी शहीद की डेड बॉडी आती है तो वो पाकिस्तान के परचम में लपेटी होती है। तो लोगों ने पाकिस्तानी परचम की इज्जत नहीं की, झंडियां नीचे गिरी हुई। तो झंडियों का मकसद क्या है? सही है, झंडियां हम लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन 14 अगस्त खत्म हुआ, झंडियां क्या समेटते हैं? नहीं समेटते, हम नीचे जमीनों पे गिरा देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लोगों ने झंडियां उतार के जमीन पे फेंकी है। कल जहाँ पे मैं अपनी खाला के घर गया था ना, वहाँ पे बच्चों ने कहते हम झंडियां लुटा रहे हैं। कैसे लुटाई? ये जैसे पैसे नहीं फेंकते शादियों में, वैसे आए वैसे फेंक दी झंडी। इतना नहीं कि ये पाकिस्तानी परचम है, इसकी इज्जत करें? नहीं, जश्न आज़ादी मनाने निकले। ये किस बात की जश्न आज़ादी है? तो खैर से वेलकम हो गया मेरे ब्लॉग में। और जिसने मुझे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर ले रिमान ब्लॉग्स को। और मैं अभी अपना नाम चेंज करूँगा, क्योंकि नाम सही लग नहीं रहा मुझे, तो ब्लॉग्स का नाम मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। आप जाके क्लिप देखो, और जब तक मैं रेडी हो। तो इस साइड हम लोग जा रहे थे दो दरिया, लेकिन दो दरिया जाना कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश पड़ चुकी थी बहुत तेज़। तो दो दरिया के पास ही एक पार्क है, तो हम लोग वहाँ पर गए। आपको यहाँ पर तो कम कम भी बारिश नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने पहले क्लिप बनाया था। और यहाँ पर देख बादल भी देखे। जा रहे थे दो दरिया, लेकिन हमारा सीन कैंसिल हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो दो दरिया के बिल्कुल पास ही एक पार्क है, हम वहाँ आ गए। यहाँ पर भी बहुत रश है। इस यहाँ पे भी देर नहीं लगाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है इस साइड। बस 5 मिनट लगाएंगे फिर चले जाएंगे। रश देखो आप। तो आप लोगों को पीछे से बाजों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो इस आवाज़ का ये आवाज़ बहुत बुरी लगती है। तो मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी यहाँ से बाजा आ रहा था, कभी यहाँ से बाजे आ रहे थे। तो भाई यहाँ पे फूड स्ट्रीट्स भी लगी हुई थी। अगर आप चाहते हो कि मैं जगह का नाम बताऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस जगह का नाम बता दूँगा। साइड आ गया है, तो इस साइड डांस हो रहा था। तो आप लोगों ने मुझे देख तो लिया होगा, ये आप देखेंगे मुझे। तो इतनी बारिश पड़ी थी कि मैंने लाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो लाइट शर्ट भी बहुत गीली हो चुकी थी। तो इस साइड हम लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बाइक स्टार्ट ही की थी कि यहाँ पे घोड़े आ गए, घोड़ों की सवारी कर रहे थे लोग। तो ये देख के बहुत खुशी हुई, इतना मज़ा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये नज़ारा। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे घोड़े थे। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अब बारिश देख रहे होंगे ये रोडों के हाल हुए हैं। उस साइड के रोड सारे टूटे पड़े और रोडों पे बहुत से ज़्यादा पानी है। तो फिर हम लोग खैर खैर से घर पहुँच गए। वक्त है शाम के वक्त, मम्मा सूजी का हलवा बना रही हैं। ये मम्मा ने इसमें
दो तीन दाने इलायची के डालें, और अभी मम्मा ने इसमें ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डाला और कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ अभी इसको रोस्ट करने के लिए रखा है ताकि अच्छे से भुन जाए। इसको भून लिया और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें सामान ऐड करेंगे। सबसे पहले मम्मा देसी घी डाल के भूनेंगी, फिर थोड़ी देर और भून देंगी, उसके बाद हम डालेंगे ये गुड़ वाला पानी। ये नहीं समझिएगा कि गंदा है, लेकिन ये ऐसे ही है, ये गुड़ वाला पानी है। उसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, उसके बाद हम ये खोपरा हो गया, किशमिश, और बाकी ये बादाम, पिस्ता हो गया, काजू और ये कोकोनट डाल के उसमें दोबारा भून रहे हैं। अच्छे से भूनिएगा ताकि अच्छे से बने। से 6 मिनट हमने इसको भून लिया और अब इसमें गुड़ वाला पानी ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। ये भी डाल दिया हमने जो थोड़ा सा बचा था। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो साइडों पे लगा है ना, ये साफ हो जाए। तो और फिर जब साइडें साफ हो जाएंगी, फिर हमने इसको 5 से 10 मिनट दम पे रख देना है। इसकी ये लास्ट लुक है। इसके बाद आपकी जो भी देसी वेज की है उसकी ये सारी साइडें साफ कर लेनी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हमने। इसको हम ऊपर से वो उसके ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर से भी डेकोरेट करेंगे। तो भाई 14 अगस्त पर हमारी ये ड्रेसिंग थी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।